बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं ओर्चिड फोर्ड शोरूम NH58 परतापुर बाईपास मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। कई उतार चढ़ाव वाद विवाद के बाद भारत व फ्रांस के बीच राफेल विमानों का सौदा आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच गया। आज पहली खेप के 5 राफेल विमान भारत के अंबाला एयरबेस पर उतर गए। उतरने से पहले उन्हें परंपरागत तरीके से वाटर सैल्यूट किया गया। दरअसल ये विमान फ्रांस से 27 जुलाई को चले थे, लेकिन दुबई में रुकने के बाद ये बुधवार को भारत पहुंचे। भारतीय सेना ने अपने आपात अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इन उन्नत लड़ाकू विमानों के लिए हैमर मिसाइलों की खरीद को भी मंजूरी दे दी है। भारतीय हवाई सीमा में इन विमानों के प्रवेश करने के बाद रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल के आने पर कहा कि वायु सेना की क्षमता बिल्कुल सही वक्त पर बढ़ाई गई है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि राफेल विमान और हथियारों की वक्त पर डिलीवरी के लिए वह फ्रांस सरकार और डॉसॉ एविएशन को धन्यवाद देते हैं। फ्रांस ने महामारी के वक्त में भी देरी नहीं की। राफेल की खरीदारी इसलिए हो पाई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही फैसला लिया। ये एयरक्राफ्ट प्रदर्शन में माकूल हैं और इनके हथियार भी अचूक। इनके राडार, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक युद्धक क्षमता दुनिया में सबसे बेहतरीन है। राफेल आने से भारतीय वायुसेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहेगी। इधर राफेल ने भारतीय धरा के लिए उड़ान शुरू की, उधर सोशल मीडिया के जरिए विपक्ष पर व्यंगों की मिसाइल दागी जाने लगी। आज सोशल मीडिया पर यही मुद्दा छाया हुआ है। आज इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।